टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर सप्तांत की हम बात करें, सप्तांत के निचोड़ की हम बात करें, तो वो कहीं ना कहीं उपचुनाव की जो सरगर्मियां हैं वही सप्तांत की जो गतिविधियां उसका मिला जुला प्रारूप। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ये भी है कि जिस तरह से उपचुनाव जो कि मैनपुरी में होना है, लोकसभा का उपचुनाव जो कि समाजवादी पार्टी के परोरा और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट पर होने वाला है, जिसके लिए सपा की तरफ से मुलायम सिंह यादव की बहू यानी डिंपल यादव और भाजपा की तरफ से पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक्य मैदान में हैं। हालांकि रमाकांत कश्यप को भी सुभाष पर उतारा था, पर उनका पर्चा किन्हीं कारणों से खारिज हो गया। अब जो निर्णायक लड़ाई है वो डिंपल यादव और रघुराज सिंह साक्य के बीच में है। और अगर हम बात करें अन्य उपचुनाव की जो कि खतौली में होने हैं और इसके साथ साथ होना है रामपुर, मैरपुर चुनाव, वो रामपुर जिसने अभी हाल में ही उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जहां पर जो परंपरागत सीट रही है सपा की, वहां पर सपा हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी ने वहां पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ साथ जो दूसरा चुनाव खतौली में होना है, वहां पर कबाल कांड में सजा के चलते विक्रम सिंह सैनी जो कि भाजपा विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द हुई, और सदस्यता रद्द होने के बाद सीट रिक्त हुई, और सीट रिक्त होने के बाद चुनाव हो रहा है, और वहां पर भी आकाश सक्सेना को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात खतौली रामपुर, रामपुर आकाश सक्सेना, खतौली में राजकुमारी सैनी जो कि विक्रम सिंह सैनी की धर्मपत्नी उनको चुनाव लड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं रामपुर में सपा ने आसिफ रजा को उतार कर ये बात स्पष्ट कर दी है कि इस बार भी चुनाव वो हल्के में नहीं लेगी, और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार प्रचार में लगे हुए हैं अपने चाचा के साथ, क्योंकि चाचा से उनकी जो एक मतभेद की बात चल रही थी सारी जगह, वो मतभेद खत्म हो गए लग तो यही रहा है, चाहे फोटो की बात करें चाहे वीडियो की बात करें। आज भी एक जनसभा को संबोधित करने गए थे, वहाँ पर उन्होंने जनसभा के दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो भी उनके चाचा लगते उनके भी पैर छुए और प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए। तो कहीं ना कहीं जो रार जिसको लेकर तमाम तरह की राजनीति गर्म थी उसको देखते कहा जा रहा है कि अब वो दोनों साथ आ गए हैं, और इस बार जो मैनपुरी रामपुर खतौली में बदलाव होगा। मैनपुर चर्चा का विषय है, और चर्चा विषय के लिए मेहमान हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। मेहमान जुड़ चुका, आपको रूबरू करा दूँ। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में मोहम्मद अखलाक अपना पक्ष रखेंगे, प्रदीप तिवारी भाई प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, और रविंद्र प्रताप सिंह भाई प्रवक्ता सपा के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा प्रवक्ता प्रसपा से रहेगा। अखलाक भाई, यहाँ पर तो चरण वंदना हो गई और शीश भी झुक गए और आशीर्वाद भी मिल गया चाचा का, और तमाम चर्चाएं चल रही थी कि अलग हो गए, मतभेद हो गए, और जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव के बयान भी आ रहे थे कि सम्मान देंगे जो उनको सम्मान नहीं मिल रहा, तमाम तरह की गतिविधियाँ चल रही थी। पर अब जो स्थिति है वो ये है कि स्टार प्रचारक भी बन गए हैं और अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान उनके पैर भी छुए, तो कहीं ना कहीं मतभेद दूर हो गए हैं, और मतभेद दूर होगा तो फिर आपका जो तमाम तरह के जो आपका जागरण था, यदुकुल जागरण, यदुकुल यदुवंश पुनः जागरण मिशन और तमाम तरह के आप मिशन बनाए, उनका क्या होगा? देखिए गौरव भाई जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद जी। और देखिए राजनीतिक बात तो अलग हो गई जी, और रही पारिवारिक बात जी, तो परिवार में देखिए झगड़े होते हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाता है, सार्वजनिक नहीं होते भाई, सार्वजनिक और जी झगड़े होते हैं, झगड़े करिए नहीं। देखिए अब हमारा परिवार समाजवाद, देखिए मैं बताऊंगा गौरव भाई, हमारा समाजवाद ऐसा परिवार है कि उत्तर प्रदेश ही हमारा परिवार है। अच्छा चलिए, तो अगर उत्तर प्रदेश में किसी के घर में भी झगड़ा होगा तो समझ लीजिए हमारे घर में झगड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आज बहुत ही अच्छी बात है कि पूरा परिवार एक है, सैफई परिवार एक है जी। आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने स्वयं कहा कि चाचा और भतीजे के रिश्ते कभी नहीं अलग थे। अच्छा। राजनीतिक जो दिक्कतें थी वो अब खत्म हो गई। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, अच्छा,
नेताजी को जो सपना था, जनेश्वर जी ने जो सपना देखा था, जयप्रकाश नारायण जी ने जो सपना देखा था, लोहिया जी ने सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश और देश को समाजवाद के रास्ते पे ले जाने का। अच्छा। नेताजी ने, आदरणीय नेताजी ने उस सपने को साकार किया और अब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, आदरणीय अखिलेश यादव साहब और जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग है उस सपने को आगे ले जाने का। इकलाक भाई, आपने कहा राजनीतिक मजबूरी थी, एक सीट देने की क्या मजबूरी थी, समीकरण समझ में नहीं आया। थोड़ा मजबूरी का हमें समय थोड़ा अगर व्याख्या कर दें तो और बेहतर रहेगा। क्या मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी क्या थी? मजबूरी नहीं कहूंगा गौरव भाई, वो शिवपाल सिंह यादव साहब, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, देखिए उनसे बड़ा त्याग और संघर्ष और बलिदान का नेता कोई नहीं है। जी बिल्कुल, नेताजी की जो विचारधारा हो या नेताजी का जो आदेश हो, उस आदेश को, सपने को पूरा करने के लिए वो कभी अपने अपमान या किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, ना किसी लालच के बारे में सोचते। अच्छा। जो भी जब भी जिम्मेदारी मिली उसको भरपूर उन्होंने निभाया, चाहे उत्तर प्रदेश की सड़कों पे संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना खून भी बहाया। अच्छा। और वापस समाजवादी पार्टी को सरकार में लेके आए थे। ठीक है। तो चाहे एक सीट की बात हो, चाहे स्टार प्रचारक की बात हो, नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा से खड़े हैं। और अब तो मैं समझता हूँ कि पूरा परिवार एक है, आदरणीय अखिलेश यादव साहब हैं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हैं और जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो सब आगे जा रहे हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, गौरव भाई, कि जो मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी सोच रही है वो कमल खिला पाएगी। अच्छा। जिस तरीके से रामपुर में इन्होंने प्रशासन का इस्तेमाल कर लिया, ये मैनपुरी है साहब, यहाँ प्रशासन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक सवाल रहेगा उसका फिर दूसरे मेहमान जोड़ता हूँ। ये तो आपने कहा कि मजबूरी रही है, गोला गोकर्णनाथ में प्रचारक नहीं बनाए, रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव हुए वहाँ प्रचारक नहीं बनाए और परिणाम आपके विरोध में चले गए, दोनों सीट आप हार गए, गोला गोकर्णनाथ भी हार गए। तो जो आपने मजबूरी की बात कही, प्रचारक तो बनाना सही था भाई, स्टार प्रचारक उनको बनाना नहीं। मैंने मजबूरी की बात नहीं कही गौरव भाई, मैंने कहा जो भी जिम्मेदारी मिली है, जी जो भी जिम्मेदारी अदरी शिवपाल सिंह यादव साहब को मिली है उसको उन्होंने भरपूर तरीके से निभाया और जिम्मेदारी के तहत उसने जिम्मेदारी को निभाया। चलो ठीक है, तो अब अगर स्टार प्रचारक बने हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैनपुरी का चुनाव है जो अब तक जितने मतों से नहीं जीते थे, हम लोग इस बार उससे ज्यादा मतों से जीते। आपने शुरुआत में कहा कि योग्य है, योग्य थे, पर यहां स्टार प्रचारक बनाए, वहां पर तीन जगह क्यों नहीं बनाए भाई? गौरव भाई, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब योग्य तो इतने हैं कि हम आप सब जानते हैं, नेताजी के सपनों को, तीन जगह योग्यता, जो नेताजी जो नेताजी के सपनों को आगे ले जाने काम करेंगे, समाजवाद को आगे ले जाने काम करेंगे, मैं योगी हूँ। समाजवाद विचारधारा को आगे ले जाने काम कर रहे हैं, मैं योगी हूँ। ठीक है, समाज को बांटने काम मैं नहीं करता हूँ, ना शिवपाल जी करते, ना अखिलेश जी ने किया, ना नेताजी करते थे, हम सब लोग समाजवाद और जो अपने हमारे देश में सभी लोग को जोड़ने का काम करते हैं, कभी बांटने की राजनीति नहीं की, हम किसी के परिवार में घुस के लड़ाई करने का काम नहीं करते। कौन लड़ाई करवा रहा था ये परिवार को से? कौन लड़ाई आप सबके सामने है, ये आप सबके सामने मैनपुरी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी अपने, अरे नाम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पे चुनाव नहीं लड़ेगी। अच्छा, वो सहकारी परिवार पे मैनपुरी का चुनाव लड़ने जा रही है, और जो साक्षी जी प्रत्याशी वो भी समाजवादी विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया था सांसद, विधायक, जानकारी है मुझको, पहले सपा में थे, प्रसपा में आया, भाजपा में आया। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में रमन भाई बैठे हुए हैं। रमन भाई, यहाँ पर तो हो गया मिलन जो होना था, आप पहले भी कहते चले आ रहे थे कि यदुकुल पुनर्जागरण बने या कुछ भी बने, पर यहाँ पर मिलन होके रहेगा और मिलन हो गया है, थोड़ा जल्दी हुआ तो हो सकता कि रामपुर और आजमगढ़ में कुछ कमल के जो खेलने का जो वहाँ पर चमत्कार हुआ है वो नहीं हो पाता, कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो ये है कि जो घटना जब घटित होनी है तो होगी। अच्छा, हम अलग कभी नहीं हुए थे। अच्छा, वैचारिक मतभेद हो सकता है हमसे आपसे बात करते करते हो जाएंगे, या हम जितने प्रवक्ता बैठे हैं वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। अच्छा, वैचारिक मतभेद हो गए रहे होंगे जी, पीछे को भूल जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं लगातार पिछले 6 महीने से लगातार इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ, और इकलास भाई भी हम लोग के साथ में रहे थे एक डिबेट में, तब भी मैंने ये बात कही थी कि हम लोग एक साथ आएंगे। ठीक है, और आ गए जी, अब इसमें कहने की बात नहीं है। एक फोटो जो बहुत वायरल हो रही है जी, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। अच्छा, अब रही बात मैनपुरी लोकसभा की सीट, तो मैनपुरी लोकसभा सीट के बारे में भारतीय जनता पार्टी को सपने भी नहीं देखना चाहिए। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है, जब कांग्रेस का जर्जराता जमाना था पूरे भारतवर्ष में। अच्छा, तब दूसरा चुनाव ही कांग्रेस वहां से हार गई थी। अच्छा, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, जहां से हमारे आदरणीय नेताजी ने अपना
राजनीतिक करियर शुरू किया था, फिर वहां से 77 में भी जीती जी, फिर वहां से 80 में भी जीती, 89 में भी जीती और 92 में हम लोग का पार्टी का गठन होता है, तब से हम लोग लगातार काबिज है। अमीन भाई, पर आपने कहा कि सपने नहीं देखना चाहिए, सपने तो रामपुर में और आजमगढ़ में नहीं देखे थे। आजमगढ़ में 10 सीटें थी सपा की, क्लीनशिप किया था भाजपा का 22 के चुनाव में, वो वहाँ भी आप उपचुनाव हार गए, तो सपने तो वहाँ भी देखे थे, वहाँ पूरे कर लिए, यहाँ भी पूरे ना कर ले। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जी, जो इससे पहले उन्होंने सबसे पहले किया आजमगढ़ लोकसभा सीट पे जी, हमारे सारे प्रमुख लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया। जेल बंद कर दिया भाई, क्यों जेल बंद कर दे भाई आप लोग, क्या दिक्कत है आप लोगों को, बोलिए रविंद्र भाई। देखिए गौरव जी, मिथ्या प्रवचन करने के लिए कोई कुछ भी कहे, अच्छा पूरी चुनाव प्रक्रिया विधिवत संपन्न हुई जी, और चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान रामपुर में कहते रहे कि रामपुर वालों देखना मेरे मुंह में कालिक न पोतने पाए, अच्छा और रामपुर की जनता ने आजम खान के मुंह में कालिक पोत दी, अच्छा और वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के गए, और जिस प्रत्याशी को रामपुर की जनता ने रिजेक्ट किया उसी व्यक्ति को इन्होंने दोबारा विधानसभा में प्रत्याशी बना दिया। ठीक है, अब आप स्वयं समझ लीजिए कि जनता के ऊपर अपनी पसंद कौन थोप रहा है। अच्छा ठीक है, अब रही बात आजम खान और रामपुर के अनुभव से समाजवादी पार्टी ने सबक नहीं लिया। ठीक है, ये हमें कह रहे हैं कि हमें सपने नहीं देखना चाहिए, ये सपनों पे भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जी। अब आप समझ लीजिए कि किस हद तक ये तानाशाही की बात करते हैं। राजनीतिक दल हैं, सबको प्रयास करने का, सबको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, बाकी जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर निर्भर करता है कि जनता किसको आशीर्वाद। भाई पर यहाँ पर मिलन हो गया ना, सतपाल जी का और अखिलेश जी का मिलन हो गया है, अब मजबूत हो गया है, सरकार भी बना दी गई, तो परिणाम बेहतर आएगा ना। देखिए गौरव जी, ये जो बिछड़न थी ये किन कारणों से थी, अच्छा मिलन किन कारणों से हुआ जी, और ये कब तक चलेगा जी, इस बारे में मैं कोई चर्चा करना नहीं चाहता। अच्छा, जिन लोगों के होमवर्क नहीं कंप्लीट होते हैं जी, वो इन तरह की बाहरी मदद के ऊपर निगाह रखते हैं। अच्छा, किसी को क्यों है भाई, कभी चाचा है वो, बाहरी मदद क्यों है? अरे भाई अगर चाचा है तो रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा चुनाव में भी याद कर लिए होते। अच्छा, जिस दिन डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित हुई उसी दिन उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाटकारों से घिरे हुए हैं, उनका बयान सारे मीडिया चैनलों पर दिखाया गया जी, तो किन कारणों से उनके बयान से किन कारणों भाई गुस्सा हर आदमी को आता है, बोल दियो के मैं उनके किसी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, इनके पारिवारिक अंतर कला से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना लाना नहीं। तो बोल रहे आप ही लोग लड़ाई कराते हैं, एक लाख तो बोल लेते हैं। देखिए गौरव जी, बोलने में तो टैक्स लगता नहीं। अच्छा, टैक्स कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं राम गोपाल ही सारी झगड़े की जड़ है। अच्छा, कोई किसी को कारण बताता है, कोई किसी को कारण बताता है। अच्छा, अभी अभी पीएसपीएल के प्रवक्ता बता रहे थे कि साहब शिवपाल जी से काबिल कोई है ही नहीं है, और मुलायम सिंह जी के सपने को शिवपाल जी आगे ले जाएंगे, अगर शिवपाल जी आगे ले जाएंगे तो अखिलेश यादव क्या करेंगे। देखिए ये जो नेतृत्व का विवाद है समाजवादी धड़े में, समाजवादी विचारधारा है वो आगे भी चलता फिर लड़ाने का काम मत करिए। प्रवक्ताओं के बयान में देख लीजिए कितना सम्मानित व्यक्ति है, बड़ी आपकी इज्जत करता हूं। मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, बहुत सम्मानित व्यक्ति, मैं आपको कभी इस नजर से नहीं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कि आप किसी को लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि सभी समाजवादी जो लोग हैं, अखिलेश यादव साहब भी, शिवपाल यादव साहब भी, सभी लोग नेताजी के सपनों को साकार करने में लगेंगे। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना था। विवेक भाई आपने एक बात कही कि आजम खान साहब के मुंह पे रामपुर की जनता ने कालिक पोत दी। आदरणीय आजम खान साहब सम्मानित व्यक्ति हैं, कई बार सांसद रहे, मिनिस्टर रहे, विधायक रहे हैं। आप विवेक भाई अपने मुंह से ऐसी बातें कहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये शोभा देने वाली बात है। चलिए ठीक है, तभी सपा प्रमुख उनसे मिलने नहीं गए। ये इकलाक जी, इकलाक मेरा बयान नहीं है जी, मैं इकलाक जी, ये स्वयं आजम खान का बयान है। अच्छा, लोकसभा उपचुनाव में आजम खान की जनता को संबोधित करते हुए, अच्छा कि आज रामपुर वाले देखना मेरे मुंह में कालिक ना पुतने पाए। ठीक है,
ये उनका खुद का बयान है। ठीक ठीक है। और जब 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 रामपुर की जनता ने उनके मुंह में काली पोती तो आप उसको तो कोस रहे हैं। मैं विवेक जी की बात पे बोलिए विरोध प्रकट करना चाहता हूँ कि लोकसभा उपचुनाव जब गोरखपुर में हुआ था और आदरणीय केशव जी के यहाँ से हुआ था, दोनों सीटें हार गई थी, हार गई थी। तो क्या ऐसे शब्दों का ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? गलत है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई थी तो क्या ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? गलत है। ये मुख के मुंह पे काली पोतने जैसा शब्द गलत है। चुनाव हारना जीतना अलग विषय है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग गलत है। और भारतीय जनता पार्टी सांस्कारिक पार्टी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। गौरव जी आजम खान अपनी बदजवानी के लिए जाने जाते हैं, उसी बदजवानी पे उनकी सदस्यता गई है जी। और वही बदजवानी उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में भी की है। कहा था लोगों से? उन्होंने कहा है, ये बयान है उनका। रामपुर वालों देखना मेरे मुंह में काली न पुतने पाए। अच्छा ठीक है। अब जब जनता ने हरा दिया तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है ठीक है। जिस बात का आक्षेप मेरे ऊपर कर हमारे किसी नेता ने अपने क्षेत्र की जनता से ये नहीं शब्द का प्रयोग किया था कि फूलपुर वालों देखना हमारे मुंह में काले न पुतने पाए। अरे हम समर्थन मांगते हैं, हार जीत तो जनता के हाथ में, जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीतेगा। अब जब आजम खान इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया तो हम और कौन से शब्द लेके आवे उनके लिए? ठीक है ठीक है ठीक है। प्रदीप भाई बयान उनके सारे मीडिया में सारे चैनलों पर आप उठा के देख लीजिए। ठीक है ठीक ठीक है। प्रदीप भाई यहाँ पर चुनाव में तो आप उतर नहीं रहे हैं, पहले ही घोषणा हो गई है कि आप चुनाव में नहीं जाएंगे, क्या बात है? भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है या कहीं डर सता रहा है कि नहीं चुनाव हार ना जाए, या कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से समर्थन दे दिया है पार्टियों को, कैसे देखे भाई? गौरव जी देखिए, ये उपचुनाव समय समय पे होते रहते हैं आम चुनाव के साथ साथ जी, तो ये जरूरी नहीं होता है कि हर पार्टी जो है जी वो उपचुनाव लड़े या आम चुनाव की सारी सीटों पे लड़े। ठीक है। ये कांग्रेस के साथ में नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, जो भी अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी रही, जरूरी नहीं कि वो हर समय हर चुनाव लड़े। आवाज साफ कराइए जी, बोलिए। जरूरी नहीं कि वो, मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं कि वो हर समय हर चुनाव लड़े। अच्छा, तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश को लेकर के, बाकी हम हिमाचल में चुनाव देखिए मजबूती से लड़ रहे हैं और गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे हो रहा है, और राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो तो आप सब जान रहे हैं कि जिस तरीके से भारत को तोड़ने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, कोई की महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो और धर्म जाति इन सब के मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम, तो राहुल गांधी जी अपना काम बखूबी कर रहे हैं और इस देश में अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है, तो उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी की आंखों में किरकिरी जरूर आ जाती है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अपार समर्थन मिल रहा है, क्या उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में नजर आएगा निकाय चुनाव में क्या? क्योंकि यात्रा तो यात्रा शुरू हुई है। मैं वही कह रहा हूँ गौरव जी कि हम लोग उपचुनाव ना लड़ करके नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में या भारत कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मजबूती से लगा हुआ है, और इसका जो आपको परिणाम है कांग्रेस पार्टी का वो आपको नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव है उनमें परिलक्षित होते हुए दिखेगा। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो उसके पास रिकॉर्ड रहे उनसे बहुत बेटर, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उस वक्त प्रभारी कौन बन के आएगा, कुछ उम्मीद है इसके लिए भी, कुछ तैयारी के लिए कौन इस चुनाव को लीड करेगा? कि तो नहीं, देखिए यहाँ पे इसीलिए हम बता तो रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में हमारे 6 प्रांतीय अध्यक्ष हैं और सारे लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। हम लोग दिन रात पूरा इससे काम कर रहे हैं, लगातार इससे काम चल रहा है और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपका पैनल या आपके यहाँ के जो पत्रकार हैं बंधु हैं अगर वो जाकर के देख रहे होंगे तो आप उनको भी नजर आ रहा होगा कि हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो लगातार कैसे नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव जीते जाए इस पे ही लगे हुए हैं। और कार्यकर्ता कांग्रेस का इस समय बड़ा उत्साहित है क्योंकि हमें बड़े अच्छे प्रांतीय अध्यक्ष मिले हुए हैं, उनके नेतृत्व में हम गौरव जी, एक विद्यार्थी एक क्लास में लगातार 2-3 बार फेल हुआ तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है आप हर परीक्षा में फेल हो जाते हैं,
कहीं थोड़ा मैं तैयारी में बिजी रहता हूँ, इसलिए परीक्षा बहुत तैयारी से नहीं दे पाता हूँ। अच्छा, अभी मैं अपने आप को पक्का कर रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ इसी तरह की कहानी राहुल गांधी जी की है। ये नाम देते जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा गुजरी वहाँ वहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था घटनाएं शुरू हो गई है, गौरव जी जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा गुजरी है जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अच्छा। आज आप जीते हैं, कल हम जीत रहे थे, हम फिर जीतेंगे। ये तो देखिए ये परंपरा है, चलती रहती है, और इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं अब वो हार गए। अरे हार गए, हार क्या होता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। अच्छा। भूल जाते हैं अटल जी को, ये अटल जी को ही भूल जाते हैं, उनकी कविता को भूल जाते हैं भाई। तो क्यों बोल रहे भाई, ये बच्चा फेल हो जाता है तीन तीन बार, ये क्यों बोल रहे भाई, गलत बात है भाई। समर्थन में मार जुड़े जाते, समर्थन मिल रहा है ना उनको, समर्थन मिल तो बता दो ना जी। देखिए देखिए गौरव जी जी, राहुल गांधी जी बहुत सी सभाएं किए, बहुत जगह भीड़ उनको सुनने आई, लेकिन उनकी जो भीड़ को वोट में तब्दील करने की क्षमता कहीं आज तक सिद्ध ना हो सकी। अच्छा। आपने तमाम चुनाव में देखा होगा, आप वरिष्ठ एंकर हैं, कि जहां उन्होंने सभा की वहीं पर कांग्रेस हार गई। अच्छा। तो स्थिति ये है कि वो भीड़ को वोट में तब्दील करने में नाकामयाब है। अच्छा। जो भारत जोड़ो यात्रा जिसका वे कहते हैं वो चुनाव जाते हैं, अभी जैसे उदाहरण दिया था, हार तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो भी हार गए थे, हार फिर वही हार जीत पे आ जाते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हार जीत का तो प्रदीप भाई बोल रहे हैं, हार जीत पे क्यों आ जाते हैं, नहीं हार जीत से क्या होता है, हार जीत तो लगी रहती है। क्या आपके नेता चुनाव नहीं हारे कभी, क्या उप मुख्यमंत्री चुनाव नहीं हारे? अरे जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए तो ये भी इससे बड़े खेत का विषय क्या हो सकता है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री चुनाव हार गया और आपने फिर से उसको ला करके आप कह रहे थे कि जनता के ऊपर अभी रामपुर का उदाहरण दे रहे थे, जो हार गया चुनाव उसको जनता के ऊपर थोप दिया इन्होंने दोबारा विधानसभा में ला करके। भाई उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, आपने जनता के ऊपर उप मुख्यमंत्री बना करके क्यों थोप दिया, बताइए, विधान परिषद से भेजा है, थोप दिया। बोले बोले भाई पहले गौरव जी, एक सवाल का जवाब दे लीजिए, समय का गौरव जी मैं फोन पे हूँ, गौरव जी फोन पे हूँ, सवाल का जवाब ले लीजिए। रामपुर का उदाहरण दे रहे थे, बताएं मुख्यमंत्री को, बताइए जवाब दीजिए, क्यों बना दिया भाई आपने। गौरव जी जी, बात चुनाव में हार जीत की नहीं है। अच्छा। जिस व्यक्ति को कांग्रेस अपना सिरमौर बनाने के लिए बेताब रहती है जी, वो लगातार चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की रुपया डुबोता जा रहा है और कांग्रेस को अरे वो कह रहे केशव प्रसाद मौर्य को अब क्यों डिप्टी सीएम बना रही है, वो हार गए सरातू से। केशव प्रसाद जी जिस रणनीतिक चक्रव्यूह में थोड़े मतों से हारे हैं। अच्छा। वो विषय दूसरा है, यहाँ तो चुनाव दर चुनाव जनता इनको रिजेक्ट कर रही है, राहुल केशव प्रसाद मौर्य का उदाहरण भूल जाएंगे। अच्छा। और उनको ये सिरमौर बनाना चाहते हैं, सिरमौर का बना, कोई विपक्षी तो अध्यक्ष बना लिए भाई, विपक्षी मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए अध्यक्ष, क्या दिक्कत है। अरे भाई अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को आलम को पता नहीं रहता है, देखिए हमेशा इनको दिक्कत रहती है, रिमोट कहां से दिक्कत रहेगी सबको मालूम है, गोडसे को मानने वालों को हमेशा दिक्कत रहेगी। अभी तक इनको दिक्कत थी कि गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष क्यों नहीं बनना है, जबकि अगर ये कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे तो कई लोग जो कांग्रेस अध्यक्ष बने वो गांधी परिवार के नहीं थे। अच्छा। आप फिर से तमाम सारे अंग्रेजी आपकी पार्टी का अध्यक्ष रहे भाई, जवाब दे रहे प्रदेश सरकार, समय का समय का शासन, सुन लीजिए सुन लीजिए, मैं जानता हूँ कांग्रेस का इतिहास। अच्छा बोले बोले, तमाम अंग्रेज शासन के अधिकारी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जी, मैं कांग्रेस का इतिहास जानता हूँ जी, ये तो इसकी स्थापना ही कांग्रेस की अंग्रेजों की पिट्ठूगिरी के लिए हुई थी। या ये कौन सी बात है भाई, भाई सावरकर को मानने वाले और गोडसे को मानने वाले देना चाहूंगा, देखिए सावरकर को ब्रिटिश शासन के अधिकारी रहे वाले लोग अब देश में ऐसी बातें करेंगे, इतिहास पर चर्चा करना चाहते हैं और सावरकर को अपना आदर्श मानने वाले स्थापना। अरे भाई ये कौन सी बात हुई, या सावरकर और पिट्ठू कहाँ से आ गए भाई, भाई सावरकर को आदर्श मानने वाले कैसी बात कर सकते हैं, जो ये कांग्रेस की पिट्ठू की बात कर रहा है, जीवन बता दीजिए भाई, इनसे पूछिए शुरुआती अंग्रेज कौन थे, चंद टुकड़ों पे अपना जीवन, चार पांच अध्यक्षों के नाम बता दे, मानने वाले लोगों से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप।
इससे ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं भाई। शुरुआती चार पांच सदस्यों का नाम बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, समय का मैं, समय का मैं। रमेश भाई कुछ बोलेंगे सपा से, बोलिए रमेश भाई। मैं हमारे कांग्रेस के मित्र जवाब नहीं दे पाए हैं जी, मैं सपा का हूं, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाती है, ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो कांग्रेस के संस्थापक अंग्रेज थे, लेकिन आपके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक डॉक्टर हेगड़ेवार थे, एक खाटी के कांग्रेसी थे। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस सेवा दल, जिसका नाम उस समय सेवा दल था, उसकी स्थापना किया था। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी आती है भारतीय जनता, भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक वो भी खाटी के कांग्रेसी थे। किस बात की बात करते हैं? अगर कांग्रेस पे प्रश्न उठाते हैं तो इनके दोनों प्रमुख लोग, इनके पार्टी के दोनों एक संघ के और जनसंघ की, दोनों के संस्थापक कांग्रेसी थे। दूसरा विषय उठाते हैं कि हम अपने चुनाव में क्या कर रहे हैं। अरे हम चुनाव में आप अच्छा जो कर रहे हैं गुजरात में जित दिख रहा है। अच्छा। एक प्रत्याशी का अपहरण आप करा लेते हैं सूरत में। अच्छा। वापस कराने के लिए। और राजनीति कभी भी, राजनीति कांग्रेस ने भी शासन किया है, अन्य दलों ने भी शासन किया है, लेकिन किसी ने भी बदले की भावना से। ठीक है हो गया हो गया हो गया। ठीक है अगला भाई जल्दी जवाब दीजिए, कोई बोलना चाहे अगला भाई बोलिए। देखिए गौरव भाई जी, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि मैनपुरी चुनाव पे बात चल रही थी, तो मैनपुरी चुनाव समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आदरणीय डिंपल यादव जी, वो भारी मतों से जीतेंगी। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा में अपनी जीत हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक भी नहीं? ठीक है बेबी भाई जल्दी बताइए, 30 सेकंड बताइए। देखिए गौरव जी, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, ठीक है, इसी तरह ये खम ख्याली में रामपुर की लोकसभा उपचुनाव में भी थे, आजमगढ़ की उपसभा चुनाव में भी थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के चेहरे पे, अपने डबल इंजन की सरकार के काम पे जनता के भी जाके आशीर्वाद मांगती है। ठीक है, हमारा किसी समीकरण से, किसी चाचा भतीजे के विलय या गठबंधन से या प्रेम पलाप से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, हम अपने लोगों के दम पे मैदान में जाते हैं। मैं आज आपके चैनल पे पूरे दावे से कह रहा हूँ कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, रामपुर विधानसभा उपचुनाव, कटौली का उपचुनाव, तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ठीक है आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी उपचुनाव की, चर्चा थी चाचा भतीजा यानी अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच की मतभेद को दूर कर आपसी प्रेम की, यह चर्चा थी कांग्रेस की। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उपचुनाव है, उसके बाद निकाय चुनाव है, उसके साथ ही 24 में लोकसभा के चुनाव है। सत्ता में कौन आएगा, सीट किसको मिलेगी, ये फिलहाल एक अच्छा प्रश्न होता है। पर मेरा मानना यह है कि बातों से यहाँ चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जो संघर्ष करता है, जिसके समीकरण बनते हैं और जो जनता के बीच जाता है, चुनाव वही जीतता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो जनता ही जनार्दन है, वो भी फैसला करती है कि मैनपुरी किसका होगा, खतौली किसकी होगी और किसका होगा रामपुर। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।